सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जगदीप राठ एंड यू आर वॉचिंग माई एंड योर्स यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जगदीप राठ। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, तो आज के फ्रेंड इस लेक्चर से हम करने वाले एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट, जो कि हमारा हिंदी। तो अब हिंदी तो आपके देखो क्लास टेंथ की जो हिंदी है वो दो प्रकार की, एक तो कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स बी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करवा दी है, जिसके मैंने काफ़ी चैप्टर्स जो है कंप्लीट करवा दिए हैं, और उसके जो वीडियोस है वो अभी थोड़े समय के लिए रुक गए थे, लेकिन आई विल मेक इट अगेन। तो मैं आपको लगातार उनके वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा अब से। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए को। तो कोर्स ए को जो हम स्टार्ट करेंगे, तो ये कोर्स ए का रहेगा सिलेबस ओवरव्यू, कि आखिरकार आपको इस बुक, जबकि कोर्स ए है, आपको इसमें कितनी बुक्स पढ़नी है और इसमें कौन कौन से आपको जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी सिलेबस ओवरव्यू ऑफ दिस कट क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए। सो लेट्स बिगन दिस वीडियो। पहला आपका आ रहा है काव्यखंड। तो ये आपकी बुक है क्षितिज भाग दो और कृतिका भाग दो, ये दो बुक्स आपको पढ़नी है क्लास टेंथ के सिलेबस में। और क्षितिज भाग एक और कृतिका भाग एक, इनकी क्षितिज और कृतिका का भाग दो आपको पढ़ना टेंथ में, और भाग एक पढ़ना आपको क्लास टेंथ की हिंदी कोर्स ए में। उसी प्रकार स्पर्श और संचयन क्लास टेंथ हिंदी बी में पढ़ना है, और स्पर्श और संचयन का भाग दो आपको पढ़ना है टेंथ में, ठीक है। तो अब इसमें आपकी है क्षितिज, ये बुक आपकी है कौन सी, हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, और इसमें दो आपके काव्यखंड और गद्याखंड। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर इसमें आपके, टोटल 9 चैप्टर काव्य के हैं और बाकी आपके टोटल इनके 17 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर इसके हैं और बाकी के 8 चैप्टर आपके गद्य के हैं। तो देखते हैं, पहला है अध्याय एक, यानी कि पाठ है सूरदास। अब इसमें आपको ना ये तब इसने ना मतलब सूरदास ने, यहाँ पर आपको सूरदास का परिचय मिलेगा, और उन्होंने कवि, उन्होंने कुछ मतलब एक अपना है उदो तुम हो अति बड़भागी, इस पद उनके जो पद हैं उनको पढ़ने को मिलेंगे, कि जब मतलब कृष्ण चले जाते हैं और उद्धव उनका संदेश लेके आते हैं कृष्ण का, वो हम सभी इसमें बारे में डिस्कस करेंगे, उनका व्यंग्य इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अध्याय दो तुलसीदास, इसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, राम और लक्ष्मण का इसमें, बल्कि इसमें हम इनके मतलब पदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कि मतलब हम किसी से प्यार से बात करें तो अगर कोई हमें सामने से गुस्से से बात कर रहा है तो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद अध्याय तीन देव पढ़ेंगे हम, देव में इनकी सेवन्या जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इसमें जो हमारे कवि हैं लोग कह रहे हैं उन्हें कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, तो इसमें वो हमें कविता के आत्मकथा है, तो वो लोगों ने कह रहे कि आप आत्मकथा लिखें, तो वो अपने वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखने तो चाहते हैं, पर वो मतलब लोग तो उन्हें कह रहे हैं लिखने के लिए, बट वो क्यों नहीं लिखना चाहते, उनका रीज़न जो है इस पोएम में, इस कविता में, वो हमें बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं लिखना चाहते, कि क्या तुम मेरे मज़े ले रहे हो मेरी ज़िंदगी के, और वो यहाँ पर अपना मतलब वो ज़िंदगी से दुखी हैं और वो यहाँ पर अपनी कविता, इनकी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, लेकिन लोग उनसे कह रहे हैं कि आप लिखो, तो वो बता रहे हैं कि तुम क्यों चाहते हो मैं लिखूँ, बट वो इसमें हमें रीज़न बता रहे हैं कि वो कविता क्यों नहीं लिखना चाहते, आत्मकथा मतलब वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। आत्मकथा बेसिकली क्या होती है, जीवन की, पूरी जीवन की कथा। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा बहुत ज़्यादा सुंदर कविता इसमें पढ़ेंगे, बादल गर्जो के नाम से। उसके बाद नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन जी द्वारा नागार्जुन पढ़ेंगे, इनमें भी इसकी कविताएँ हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको वो पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद गिरजा कुमार माथुर, हमारा सातवां अध्याय है, गिरजा कुमार माथुर इनकी जो कविता है ये दंतुरित मुस्कान और फसल, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बच्चे की छोटी सी मुस्कान कितनी अच्छी होती है, उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय आठ ऋतुराज, इसमें एक ऋतुराज की कविता है जो है कन्यादान, वो पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक माँ अपने दुख को व्यक्त कर रही है, जब अपनी बेटी का वो क्या कर रही है, कन्यादान कर रही है। ये एक रस्म होती है विवाह के, जब माँ बाप को अपनी बेटी का हाथ जो है वर के हाथ, यानी कि उसका जो होने वाला पति है उसके हाथ में देना होता है, तो उस वक्त जो है माँ अपनी बेटी का दुख दर उसको समझाती हुई इसमें कहती है कि तुम इस ससुराल में मतलब शक्ल से बोली बनकर रहना, लेकिन अपने अंदर मन से तुम सही बनकर रहना, और जब भी कहीं तुम कोई भी तुम पर अत्याचार करे तो उसका जुल्म का सामना करना। और वो इसमें अपनी माँ बेटी को शिक्षा दे रही है और अपने दुख को व्यक्त कर रही है। उसके बाद अध्याय नौ मंगलेश डबराल के द्वारा रचित संगतकार, ये कविता को भी हम पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ईजी सुंदर और बहुत ज़्यादा मस्त कविता है संगतकार, ठीक है। तो बस ये था अपना काव्यखंड। तो काव्यखंड में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपका इस बुक में आता है गद्यखंड, ये भी पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है गद्यखंड में, गद्यखंड में भी आपका अध्याय 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो गद्यखंड में पहला जो अध्याय 10 में आपका है वो है नेताजी का चश्मा,
ये स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर स्टोरी है इसमें, जो स्वयं प्रकाश एक देशभक्ति की भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इस पूरे। उसके बाद बाल अध्याय 11 बाल गोविंद भगत, इसमें एक मनुष्य हमारा बाल गोविंद भगत, उसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है कि वो कैसे थे और वो कबीर को मानते थे, और जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती तो अपनी पुत्र वधु का वो चाहते हैं कि उनका दोबारा से शादी की जाए ताकि उसकी जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है वो आराम से निकल सके। उसके बाद अध्याय 12 लखनवी अंदाज, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ये तो आपको मैं तभी ही बताऊँगा। उसके बाद अध्याय 3 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मस्त चैप्टर, बल्कि मेरा तो जो है गद्य खंड में से जो फेवरेट चैप्टर था ना वो लखनवी अंदाज, और ये जो पहले के 3-4 चैप्टर हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे गद्य खंड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी थे और इतने इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि नेताजी का चश्मा, ठीक है, और लखनवी अंदाज हो गया, बाल गोविंद भगत, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्योंकि हमने भी यही बुक्स पढ़ी हैं, आपने जो पढ़ी हैं हमने भी वही पढ़ी हैं जो आप पढ़ रहे हैं अभी, हमने भी तब भी टाइम में यही पढ़ी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद आपका आ रहा है अध्याय नंबर 14 एक कहानी है भी, इसमें मन्नू भंडारी लेखिका है जो वो अपने जीवन के बारे में बता रही हैं, ठीक है। उसके बाद अध्याय 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतिकों का खंडन, इसमें क्या हो रहा है कि जब स्त्रियों को धीरे धीरे शिक्षा मिलनी स्टार्ट हो रही थी, यानी कि स्त्रियां पढ़ने लगी थी, तो उनके विरुद्ध जो कृतिक यानी कि उनके विरुद्ध लोग खड़े हुए कि इनको नई शिक्षा देनी चाहिए, उनका खंडन उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अध्याय 16 नौबत खाने में वादक, इसमें हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की एक स्टोरी को मैंशन किया गया है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 17 संस्कृति, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है संस्कृति, यानी कि आपका जो हिंदी का क्षितिज जो है इसका गद्यखंड बहुत ज़्यादा ईजी, और काव्यखंड में सिर्फ 1-2 चैप्टर्स ऐसे जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, बाकी तो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स है, सारे ही बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स है, कोई इतना हार्ड नहीं है। उसके बाद आती है आपकी एक नई बुक जिसका नाम है कृतिका भाग दो, इसका भाग आपने एक पहले 10वीं में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, अब इसका भाग दो आप पढ़ेंगे 10वीं में, जिस ये आपकी है पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि इसमें आपके पाठ थोड़े कम दिए हुए हैं, 4-5 ही पाठ है आपके इसमें, और वो क्या क्या है चलिए पढ़ते हैं। पहला है अध्याय 1 माता का अंचल, इसमें एक माँ की हमारी माँ होती है, ठीक है, एक बच्चा चाहे जितना, इसमें हम बता रहे हैं कि एक लड़का होता था भोलानाथ, तो उसका जो है अपने पिता के साथ बहुत लगाव था, लेकिन जब उसकी जब उसको कोई तकलीफ हुई, जब उसके पीछे क्या आए सांप पड़ गई, यानी कि उसके पीछे वो क्या कर रहे थे एक बिल में, वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, तो उनके पिता भी उनके साथ बहुत खेलते थे, तो वो क्या कर रहे थे पानी डाल रहे थे बिल्लों में चूहों के, और वहाँ से निकला है सांप, क्योंकि ठीक है, तो वो उनके पीछे सांप, ठीक है, तो वो वहाँ से भाग लेके पिता ने उसे अपनी गोद में उठाना भी चाहा, लेकिन वो नहीं गया, वो सीधा जाके अपनी माँ की गोद में गया। तो इसका क्या मतलब है कि हम ठीक है, हमें कितनी भी मुसीबत आए हम माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भले हमारा किसी के साथ जितना मर्जी भी लगाव हो, हम माँ के मतलब अंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बच्चा अपनी माँ के अंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी भी है। उसके बाद आता है आपका जॉर्ज पंचम की नाक, इसमें एक स्टोरी है कि दरअसल एक जब कोई रानी इंग्लैंड की रानी को इंडिया में आना होता है यात्रा के दौरान, तो वहाँ पर क्या होती है एक मूर्ति होती है जॉर्ज पंचम की, उस बाकी मूर्तियों के तो वो ठीक है, बाकी मूर्तियाँ उसे फाइस वही कर रहे होते हैं कि इंग्लैंड की महारानी आएगी, तो उसमें एक मूर्ति होती है जॉर्ज पंचम की, उसमें क्या होता है दरअसल उसमें से नाक गायब हो जाती है जॉर्ज पंचम की नाक, तो उसके बाद में वो नाक को ढूंढते हैं, ठीक है, बच्चों के भी नाक लगा, बच्चे जो शहीद हुए थे उनके नाक भी लगा के देखते, तो उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, कभी इस इनडायरेक्ट में मैं ये कहना चाहती कि हमारे बच्चों की, हमारे भारत की सबसे ज़्यादा देशभक्ति है, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने प्राण त्यागे अपने देश के लिए। उसके बाद आपका आता है साना साना हाथ जोड़ी अध्याय 3, ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है, इसमें लेखिका जो है घूम रही है हिमालय की तरफ, उनके वहाँ हिमालय की तरफ घूमने गई हैं, तो उसका यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। अध्याय 4 ऐही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आपको जब हम पढ़ेंगे तब बताऊँगा। उसके बाद अध्याय 5 मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, इसमें लेखक है वो बता रहे हैं कि मैं क्यों लिखने आया और मैं क्यों लिखता हूँ, मैं कविताओं और को क्यों लिखता हूँ, तो वो हमें लेखक बता रहे हैं इसमें।
तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कैसा रहा सिलेबस ओवरव्यू? अब आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपके सिलेबस का, लिटरेचर का। ग्रामर हमने अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, जब लिटरेचर हो जाएगा पूरा तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलेगा एक नए सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।